फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है वार्म अप आपका कभी भी कहीं पे भी कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी होती है तो ये अपने माइंड में एक चीज याद रखनी है विदाउट वार्मिंग अप नेवर डू एनी एक्टिविटी ठीक है चाहे आपने लाइट एक्टिविटी हो चाहे आपकी स्ट्रेनियस एक्सरसाइजिज हो एट सो एवर इफ यू आर डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटीज ऑलवेज ट्राई टू वार्म अप योर बॉडी समटाइम स्मॉल मिस्टेक्स विल लीड्स टू बिग प्रॉब्लम बहुत से ऐसे हमने स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं जिनका कैरियर खत्म हो गया सबसे मेन बैक पेन विंटर में अगर आप कोई भी गेम खेलते हो ना सर्दियों में आपने वार्म अप नहीं किया आपको एकदम कोई ना कोई मसल्स फुल ठीक है बैक एक और वो क्या होगा धीरे 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 क्या होता है वो आपकी वो माइल्ड से सीवियर फिर एक एक आपकी कंडीशन एक आएगी कि आप कोई एक्टिविटी कर नहीं पाओगे ये बहुत से बच्चों में होता है जिनको नहीं पता है नॉलेज नहीं आपको स्पोर्ट्स का पता नहीं है वार्मिंग अप का पता नहीं है ठीक है उनको एक शौक क्या होता है कि हमने ग्राउंड में जाना है एंड ठीक है जाके हमने खेलना है सीधा प्रैक्टिस करनी है। सबको होता है ना ग्राउंड में कि मेरे को अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ बॉलिंग कर रहा हूँ मुझको सबसे पहले बैटिंग मिल जाए बॉलिंग मिल जाए बास्केटबॉल ले लिया फटाफट फ़ड़ खेलना शुरू कोई भी गेम ले लिया आपने सबसे पहला आपके माइंड में ये होता है कि मैं सबसे पहले वो उस गेम का या जो भी आप खेल रहे हो उसकी बॉल बैट इक्विपमेंट जो है लेके फटाफट फ़ड़ भागना खेलना शुरू कर दू दे आपने एकदम मूवमेंट कर दी है बॉडी आपकी रेडी नहीं हुई है ठीक है मसल्स आपके वार्म अप नहीं हुए वो टोन अप नहीं हुए फॉर दैट एक्टिविटीज तो वहां पे क्या होगा चांसेस ऑफ इंजरीज आर ऑलवेज देयर बहुत बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जो बहुत अच्छे लेवल के प्लेयर हैं या फिर सेकंड ओवर ट्रेनिंग आजकल एक ट्रेंड है बच्चों में वेट ट्रेनिंग हैवी वेट ठीक है अगर आप स्पोर्ट्स कोई भी कर रहे हो वहां पे आपको हैवी ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं होती है वेट लिफ्टिंग एंड वेट ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज एंटायरली डिफरेंट थिंग ट्रेनिंग मीन्स यू आर स्ट्रेंथनिंग योर मसल वेट लिफ्टिंग मीन्स यू आर शोर स्ट्रेंथ बाई लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग एक कॉम्पिटिशन है वेयर यू हैव टू शो योर स्ट्रेंथ ठीक है आपने हंड्रेड के जी जर् कर दिया स्नेच कर दिया वहां आप अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हो बट वेट ट्रेनिंग में क्या कर रहे हो आप अपने पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो बाइसेप्स आपने जिम कोई अगर आप में से जाता हो या देखा हो वहाँ पे क्या होता है वहाँ डेज फिक्स होते हैं अपर बॉडी थाइज़ ठीक है हर चीज का बॉडी के पार्ट के उन्होंने बेंच प्रेस आज कितनी करनी आज स्क्वेट कितने करने करने लेग की लगानी आपने एक्सरसाइज तो ज्यादा वो सारे उनके डेज फिक्स होते हैं ये नहीं कि रोज ही आप एक मसल्स को यूज करते रहो ठीक है तो इसीलिए वार्मिंग अप कूलिंग डाउन ंग डाउन ये लिखाया है मैंने आपको राइट डाउन दिस इज द मेन टर्मिनोलॉजी यूज इन गेम्स एंड स्पोर्ट बेटा आप लोग भी लिख लीजिए ये दीज आर द डिफरेंट टर्म्स यूज इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स क्रिश कुंद्रा फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन वार्मिंग अप वार्मिंग अप का मतलब क्या होता है वट डू यू अंडरस्टैंड बाय वार्मिंग एक्शन में लाना हाँ जी बॉडी को तैयार करना बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी हम क्या करते हैं अपनी बॉडी को प्रपेयर करते हैं उस एक्टिविटी को करने के लिए वी आर रेजिंग अ टेम्परेचर बाय डूइंग डिफरेंट वॉकिंग जॉगिंग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ठीक है देन वी टोन अप अपर मसल्स टोनिंग अप ऑफ़ योर मसल्स इट इज द बिफोर

उसमें आपने डिफरेंट सॉर्ट ऑफ साइकिलिंग कर ली है जॉगिंग कर ली है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर ली है दैट इज फॉर जर्नरल ठीक है जब आप स्पेसिफिक करते हैं सपोज यू आर अ थ्रोअर यू आर अ स्प्रिंटर तो आपको स्पेसिफिक वार्मिंग अप करना पड़ेगा जो थ्रो से रिलेटेड मसल्स है उसको आप ज्यादा स्ट्रेच करोगे उसकी ज्यादा एक्सरसाइज करोगे अगर आप स्प्रिंटर हैं तो आपको स्प्रिंट के लिए जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है लोअर आपका पोर्शन है इसकी ज्यादा एक्सरसाइज करनी होगी उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं दैट इज टोटली रिलेटेड टू योर स्पेसिफिक इवेंट ठीक है देन आपका जो साइकोलॉजिकल होता है वो आपने किसी भी प्लेयर्स को मेंटली साइकोलॉजी उसको क्या करना है मोटिवेट करना है उसको आपने इतना मोटिवेट करना है जैसे आप हम बड़े इवेंट में खेलते हैं ठीक है जितने आपके बड़े इवेंट के प्लेयर्स हैं समटाइम बहुत लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने शेयर किया है जैसे सपोज आपका कोई एक इंडिया प्लेयर खेल रहा है उसके बाद किट में इंडिया लिखा है ठीक है आपको मैं मतलब बॉक्सिंग का एक एग्जाम्पल देता हूँ बॉक्सिंग में बॉडी कॉन्टेक्ट गेम है उनको पता है कि ये इंडिया लेवल का प्लेयर है आपको चांस मिल गया है तो जो नया जो न्यू कमर्स है उसके माइंड में क्या होगा साइकोलॉजिकली ये तो इंडिया लेवल का प्लेयर है इंटरनेशनल लेवल प्लेयर है जब वो लिखा होता है ना इंडिया उससे साइकोलॉजिकली आप डिप्रेशन में चल जाओगे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कम हो जाएगा तो वहां पर कोचिज का क्या काम होता है कि आपने इंडिया नहीं देखना है आपने उसका फेस देखना है ठीक है आपके पंच टारगेट पे होने चाहिए यू हैव टू एग्जीक्यूट योर टेक्निक इन राइट टाइम एंड राइट वे यही इंडिया आप अगर उसको हराओगे तो आपकी पे लिखा होगा बहुत से एग्जाम्पल ऐसे प्लेयरों ने दिए तो देन दे फाउट उन्होंने ऐसा कोई था है तो नहीं कि सारी उम्र नेशनल चैंपियन रहता है ऐसा होता है कोई? कोई ना कोई आता ही है ना हराने वाला उसको दूसरे को परमानेंट किसी का कोई कहा कहीं पे नाम नहीं लिखा है कि हाँ जी इसने ये नेशनल चैंपियन बन गया तो ये थ्रू आउट द राइट ने, नेशनल चैंपियन रहेगा वो बहुत रेयर होगा वो आपको कोई एक्सेप्शनल केस मिलेंगे कि जो ऐसे प्लेयर्स हुए अदरवाइज़ हर रिकॉर्ड ब्रेक होता है आप ओलम्पिक्स में देखो आप वर्ल्ड कप कोई भी टूर्नामेंट देखो हर साल वो रिकॉर्ड में कोई ना कोई वहां पे चलता रहता है तो वो साइकोलॉजिकली बूस्टअप होता है आदि जो आपकी गेम है वो मेंटल गेम होगी है आपको इतना स्ट्रेस होता है ना हम बोलते हैं स्पोर्ट्स मैन गए खेले एंजॉय कर रहे हैं उनको पूछो जब जब इवेंट होता है कितना स्ट्रेसफुल टाइम होता है वो जो उसको स्ट्रेस को ओवरकम कर गया ठीक है अगर आप थोड़ा सा डाल ले इसको सामने अगर आप उस स्ट्रेस को क्या एक आदमी उसको कोई चीज आप सोचते हो तो उसमें सोचते रहोगे सोचते रहोगे उससे बाहर नहीं निकलोगे उसी में उलझन में आप घूमते रहोगे ठीक है अगर आप उसके बारे में उसके रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तब आप अपना हंड्रेड परसेंट नहीं आप अपने काम के बारे में अपने वर्कआउट अपने एक्शन के बारे में ज्यादा ध्यान दोगे दैट विल मोर बेनिफिशियल फॉर यू और आपके साथ स्पोर्ट्स साइकेट्रिस्ट चलते हैं जो मोटिवेट करते रहते हैं हमने देखा ना योगा की करा रहे हैं एक्सरसाइज दैट इज फॉर कंसंट्रेशन आपका कंसंट्रेशन विल पावर ठीक है ये मेन चीज है मोटिवेशन लेवल ये सारी टर्म स्पोर्ट्स में चलती है आपका टेम्परामेंट कितना अच्छा है ठीक है आपकी एंटीसिपेशन पावर कितनी अच्छी है हाउ फास्ट यू जज ओपोनेंट वो बड़ा बनाते हैं आदमी को वो स्पोर्ट्स पर्सन बड़े होते हैं इंटरनेशनल लेवल के जिनके पास ये क्वालिटीज है आप में कॉन्फिडेंस है आप में टेम्परामेंट है ठीक है आप में एंटीसिपेशन पावर है आपका रिफ्लेक्स रिएक्शन टाइम अच्छे हैं ये सारी टर्म यूज होती है साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा आज की डेट में आपको मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है इस टाइम देर इज ए प्रेशर ऑफ योर कंट्री आप रिप्रेजेंट कर रहे हो आपका नेशन आपके लोग सारे खड़े हैं पीछे वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आप कोहली खेलता है सब बोलते हैं हंड्रेड करे तेंदुलकर खेलता था तो उसको बस हाँ ये जल्दी आउट हो गया अगर वो साठ सत्तर पे आउट हो गया आज चला नहीं है जी ठीक है उसको बोलते थे जी आज चला ही नहीं साठ सत्तर बना के डॉन ब्रेडमैन का नाम सुना है कितनी एवरेज है उनकी हम्म ऑलमोस्ट हंड्रेड के पास एवरेज है उनकी नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन समथिंग कैन यू इमेजिन कि एक आदमी पूरे लाइफ में हर मैच में सौ बना रहा है, वो वर्ल्ड में वो रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता एंड एवरी मैच ही स्कोर ऑलमोस्ट हंड्रेड और जिस सीरीज में वो एट्टी नाइनटी पे आउट होते थे तो वहां पे उनके वो बोलते थे कि ब्रेडमैन सर तो इतना चले नहीं आज हंड्रेड नहीं किए वो उनके लिए कुछ भी नहीं होता था लोगों के वो एक्सपेक्टेशन आपकी बढ़ती रहती है सेम विद द तेंदुलकर उसने अपने लिखा बॉयोग्राफी में कि अब जिस अब आदमी है ना स्पोर्ट्स पर्सन है हर बारी थोड़ा ना करेगा वो सम टाइम देयर इज एक पैच ऐसा आता है लाइफ में हर आदमी का हर स्पोर्ट्स पर्सन का कि वो थोड़ा सा वहां पे एक स्टैग्नेशन पीरियड आ गया स्टैग्नेशन पता है हम नहीं पता है जब भी हम कोई चीज सीखते हैं ना ये आपका एक ग्राफ होता है जब कोई हम कोई भी गेम की स्किल्स सीख रहे होते हैं तो क्या होता है स्टार्टिंग में हमारा ग्राफ ऐसे जाएगा उसके बाद क्या होगा ऐसा डाउन हो गया वो स्टार्टिंग में एकदम एकदम अप एक डाउन जब आप स्टेबल हो गए तो आपका सीधा चल गया और जब आप बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए उसके बाद ये पीरियड आया था तो स्टेगनेशन ये आपकी परफॉर्मेंस ना ऊपर ना नीचे ठीक है और सम टाइम इट विल कम्स डाउन आपने अपनी पीक परफॉर्मेंस ले ली है उसके बाद वहां स्टेबल हो गए फिर आफ्टर सम टाइम क्या होता है आपको हो ये तो ऑलमोस्ट मैंने सब कर लिया हो गया देन डाउनवर्ड उस लेवल से आपने और ऊपर को ले अपने आप को लेके जाना है दैट इज मेन वो उनको हम लीजेंड बोलते हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को टॉप पे लेके आके भी उसको वहां पे मेंटेन करके रखा है उन प्लेयर्स को हम फिर लाइफ टाइप का अवार्ड देते हैं जैसे सेंचुरी का हर गेम में हर प्लेयर को ये अवार्ड मिलते हैं सेंचुरी बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन अवार्ड अवार्ड आपके स्टेट के अवार्ड होते हैं नेशनल के अवॉर्ड होते हैं ठीक है तो ये सारी चीजें वार्मिंग अप से शुरू होती है। अगर आपने वार्मिंग अप से स्टार्ट नहीं किया है तो आपका आधा कैरियर खत्म हो सकता है इन बिटवीन ऑफ योर आप में नो डाउट पोटेंशियल है बट आपको एग्जीक्यूट करना नहीं आ रहा आपको ये नहीं पता मैंने वार्म अप करना है कि नहीं और बैक पेन तो बहुत ज्यादा होती है फास्ट बॉलर को तो आपने बॉल पकड़ी दो चार ओवर कर दी है विंटर में एकदम आपके बैक में प्रॉब्लम हो जाएगी और वो प्रॉब्लम क्या होगी अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो देन इट्स ओके व्हेन यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर मूवमेंट अगेन दैट विल स्टार्ट बिकॉज दैट लिगामेंट दैट टेंडेंस वो कब आपके वहां पे पेन करते हैं जब आप उनकी वो वाली मूवमेंट करोगे अब मैंने बॉल फेंकी है फास्ट बॉलर हूँ ठीक है यहाँ से आके मैं बॉल फेंकी पैर नीचे गिरता है मैंने आगे मूव किया आपने देखा होगा यहाँ पेन बहुत होती है कई आपने फील्डर्स देखा वो ऐसे बॉल फेंक रहे होते हैं अंडर आर्म या ऐसे साइड वर्ड वो तो जैसे बोलते हैं ना झटका लग गया आपको भी पता थ्रो करोगे समटाइम आप बॉडी वार्म अप नहीं झटका लग गया तो आपको पेन शुरू हो जाएगी यहाँ उसका कुछ नहीं आपको कोई एक्सरे नहीं आएगा कुछ नहीं रेस्ट करोगे ठीक है हाँ अगर आप उसको रेस्ट के बाद स्ट्रेंथनिंग करोगे रीहेबिलिटेशन प्रॉपर करोगे देन आप उसमें ओवरकम कर लोगे उसको बट ये जो मैं बैक पेन आपको बता रहा हूँ बहुत बच्चों को ऐसे हुई है एक इसकी अप, देन ओवर ट्रेनिंग, हैवी वेट आप बहुत ज्यादा वेट से कर रहे हो क्योंकि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हो वहां पे आपने अपनी बॉडी को स्टिफ नहीं करना है कि आपने हैवी वेट उठा उठा, उठा के अपने बॉडी को पूरा स्टिफ कर दिया आपको फ्लेक्सीबल रखना है बॉडी को वेट आप ट्वेंटी के जी करो रेपिटेशन ज्यादा करो फास्ट मूवमेंट में करो आज की डेट में हर चीज कैसी होगी एक्सप्लोसिव जिसको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हम बोलते हैं जहाँ पे स्पीड और स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन अगर आप में अच्छा होगा आप बेटर रिजल्ट दोगे आगे जो हमारे रेसलर्स होते थे ना बॉक्सर्स होते थे वो कैसे खेलते थे अपने खड़े स्टेशनरी पोजिशन पाए जोर के साथ पावर के साथ स्ट्रेंथ के साथ ठीक है जिसको पकड़ लिया ये तकड़ा है जी इसने पकड़ लिया इसको उल्टा दिया अब वो काम नहीं रहा अब आपने रेसलिंग भी देखना बॉक्सिंग भी देखना वो क्या करते हैं पंच मारते हैं फिर पीछे स्टेप आउट इधर वो दूसरे को घुमाते रहते हैं जिनका फुटवर्क अच्छा होगा वो क्या करता रहता है वो अपने फुटवर्क से खेलता रहता है रेसलिंग में अभी आपने अभी जितनी भी बाउट हुई है उनको आप देखना समटाइम वो क्या है उसके ऊपर से छलांग मार के इधर आ गए तो इट मीनस की हाउ फ्लेक्सीबल आर पहले थ्योरी होती थी कि जो रेसलर है बॉक्सर है वो बस जोर वाले चाहिए खड़े होके खेलेंगे अब वो काम ही नहीं अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्पीड स्ट्रेंथ के साथ आप में स्पीड भी होनी चाहिए सेम इन द केस ऑफ कबड्डी कबड्डी में भी ऐसा पकड़ लिया तो छोड़ दिया वो क्या करते हैं वो हैंड हाँ लगा के आपने समटाइम यू हैव सीन कि चार पांच आदमी के ऊपर से जंप करके निकल जाते हैं नीचे से निकल जाते हैं कबड्डी में आपने देखा ना कितनी इंटरेस्टेड होगी अब वो आपको अब आप कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि बहुत तगड़ा ऐसा कोई वो सारे आपको एन एथलेटिक बॉडी वाले मिलेंगे अदरवाइज आप टेन इयर्स बैक देखो तो सारे आपको बड़े तगड़े थोड़ा सा बल्कि सा ठीक है शरीर उनका होता है अब आपको एन फिट बिल्कुल बिकॉज वहां पे आपको भागना भी पड़ता है जंप भी करना है डाइव भी मारनी अगर आपकी बॉडी वैसी नहीं होगी तो आप हार्डली आप दो चार मैच के बाद फिट हो जाओगे तो दिस इज द वन ऑफ द मेजर वार्मिंग अप In sports, then cooling down and limbering down, cooling down and limbering down. It is one and the same. कूलिंग डाउन क्या होता है आफ्टर डूइंग एनी एक्सरसाइज ट्रेनिंग यू हैव टू रेज योर बॉडी टेम्परेचर डाउन एंड यू हैव टू डू सम लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज रिलेटेड टू दैट एक्टिविटीज विच यू हैव डन अगर आपने स्प्रिंटिंग बहुत ज्यादा की है तो आपको अपनी लोअर्स एक्सट्रीमिटीज को बहुत अच्छी तरह से स्ट्रेच करना होगा आपने सुना होगा कि जब आप भागते हो बड़े दिन के बाद तो नेक्स्ट डे क्या बोलते हो आप खलियां गई ठीक है अगर आपने अपनी बॉडी को अच्छी तरह से स्ट्रेच कर लिया है प्रॉपर स्ट्रेचिंग जैसे आपका वार्मिंग अप जरूरी है वैसा आपका स्ट्रेचिंग कूलिंग डाउन बहुत जरूरी है लिम्बरिंग डाउन और कूलिंग डाउन जितना आप उसको स्ट्रेच करोगे मसल्स आपके अप हुए होते हैं आपका पूरा एग्जॉस्ट हुए होते हैं पूरी एनर्जी लगी होती है तो उनको स्लोली स्लोली आपने अपनी प्लेस में लाने के लिए स्ट्रेचिंग करनी है ठीक है हल्का स्ट्रेचिंग जर्की मूवमेंट नहीं होना चाहिए जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें देर शुड बी नो जर्की मूवमेंट जर्की मूवमेंट क्या होता है झटके से काम नहीं करना ठीक है कोई भी अगर आपने एक्सरसाइज करनी है स्ट्रेचिंग करनी है बिल्कुल स्लोली स्लोली करनी है झटके से एकदम नहीं करना तो ये अगर आप करोगे आपको कभी फलियां नहीं पड़ेगी ठीक है आप अगर कोई भी स्पोर्ट्स करोगे तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और ट्वाइस ए वीक वेट ट्रेनिंग हम बोलते हैं कि करनी चाहिए ठीक है ट्वाइस ए वीक आप कोई भी एक्टिविटीज करते हो तो वहां पे वो आपको वेट ट्रेनिंग दिलाते हैं आप एक अपने आप कोई पुशअप से आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो एक आप मशीन मशीन के थ्रू दोबारा कर रहे हो तो देट विल भी आजकल आपने देखा ना जॉगर देखो कैसे आगे आपके पास इक्विपमेंट इतने हाँ टेक आ हैं। उसमें डिफरेंट में आगे एक एक पे वो करते हैं, ठीक है? आपने अच्छे जो देखे होंगे, तो वहां मतलब पर्टिकुलर बॉडी की एक एक पार्ट को अगर आप वो एक्सरसाइज करोगे आपके वो सारे पार्ट को स्ट्रेंथ करेंगे तो, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर क्यों तो इसीलिए वो वेट ट्रेनिंग अपना ट्रेनिंग करते हैं कि आपने उसको और स्ट्रेंथनिंग करनी है पार्ट को अगर आपका शोल्डर है अभी जैसे आपका नीरज है नाइनटीन में इसका पूरा हो गया था कि डैमेज हो गया खेल नहीं सकेगा ठीक है बहुत चांसेस कम थे अगेन उसने वर्कआउट किया बाहर के लोग इन्वॉल्व हुए सेम आपके एक क्रिकेटर था बहुत उसके एक्सीडेंट हो गया फोर्टीन फिफ्टीन इयर्स में रॉड डलगी थी तो डॉक्टर ने कहा था आप अब थोड़ा बहुत इतना करेंगे और उसके बाद वो इंडिया खेल है ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है कि आफ्टर सीवियर इंजरीज उन्होंने अपना वर्कआउट किया प्रॉपर डॉक्टर्स के साथ फिजियो के साथ चले और अपना प्रिकॉशन लेके अगेन दे प्ले टॉप लेवल ऑफ देयर पर्टिकुलर इवेंट्स बहुत से ऐसे, ऐसे एग्जाम्पल है अभी तो आपका स्पोर्ट्स मेडिसिन मेडिसिन बहुत हाई लेवल पे पहुंच गए वो कुछ भी किसी भी स्टेज में आपको फैसिलिटीज देते हैं बहुत ऐसे ऐसे केसेज हैं बहुत ज्यादा कितनी सीवियर इंजरीज हैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं यहीं पर अगर आप जाओगे स्पोर्ट्स कॉलेज में आते हैं हमारे मिसर कंग वो पंजाब पुलिस में इज अ वेरी गुड साइकिलिस्ट